तो वहीं सतना जिले में ग्राम सभा के दौरान गांव के दबंग चंद्र प्रकाश उर्फ छोटू पटेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला सरपंच ललिता बौद्ध के साथ मारपीट की है और इस बीच बचाव करने आए लोगों की भी लात जूतों से पिटाई की गई। वहीं शिकायत मिलने के बाद नादान देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने अन्य आरोपियों का नाम FIR में ना तो शामिल किया ना ही उनको गिरफ्तार किया। और सभी वहाँ एक प्रश्ताव डालने के लिए बैठक लगाई गई थी, तो वहाँ सभी ने हमने सभी को कहा अपना प्रस्ताव डालिए, तो वहाँ विद्रोह करने लगे कि नहीं अभी अभी ये रोका जाए, अभी नहीं होगा, हम सब मारपीट करने लगे इस तरह कि नहीं होगी, सिक्योरिटी लेकर तुरंत उठा के ले गए। ये थाना नारायण क्षेत्र में एक पंचायत है जरियारी, वहाँ पर ग्राम सभा की बैठक थी। उस बैठक के दौरान कुछ लोगों द्वारा उपद्रव किया गया वहाँ पहुँचकर, तो उस पर से थाना नारायण में अपराध पंजीबद्ध किया गया चार लोगों के विरुद्ध, कुछ और अन्य लोग भी हैं। उसके बाद उन पर 151 की कार्रवाई भी की गई थी। जब पुलिस उसकी विवेचना कर रही थी तो ये पाया गया कि जो व्यक्ति उसमें आरोपी हैं छोटू पटेल, उनके घर पर एक ही नंबर के दो वाहन खड़े होना पाए गए, तो पुलिस ने एक पृथक से मामला धारा 420 467 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। इन सभी अपराधों की विवेचना की जा रही है। और उमरिया नगर मुख्यालय में बारिश के चलते पेड़ गिर गया, वहीं गनीमत रही कि इस हादसे में एक व्यक्ति की जान बाल बाल बच गई, जबकि हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और इस घटना के चलते पूरे नगर की विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित रही। ये आज बाजार में यूकेलिप्टस का पेड़ गिर गया है, हमारी टीम आ गई है, मशीन भी बुला ली है और पेड़ काटने वाली मशीन सभी कर्मचारी आ गए हैं। लगभग